उड़ीसा ट्रेन हादसा, डिब्बे के अंदर फंसी मासूम जाने। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसा देश के सबसे बड़े रेल हादसे में से एक है। इस हादसे में अभी तक 238 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 900 लोग घायल हैं। 3 ट्रेन हादसों का शिकार हुई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेल की कई बोगियां बुरी तरह से तबाह हो गई। वहीं एक बोगी घटनास्थल से कुछ दूर पर जाकर गिरी, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहे हैं। सभी नजदीकी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 6 टीमें, एसडीआरएफ की 4 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें, 15 फायर विभाग की टीमें, 30 डॉक्टर, 200 पुलिस कर्मी और 60 के करीब एम्बुलेंस घटनास्थल पर मौजूद है। रेल मंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल हुए 2 लाख रुपए, अन्य घायलों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए पीएम नेशनल रिलीफ फंड से कमरतों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।